नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे, फाउंडर gogoa1.com एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज के इस सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में। बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम एग्जैक्टली है क्या और बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद में हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरीके से हम अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट कोई स्टाफ अपॉइंट किए, विदाउट कोई लाइसेंसिंग निकाले, और किस तरीके से ऑल ओवर इंडिया के लिए हम लोग वर्चुअल फ्रेंचाइजी लाइसेंसिंग गोगो ग्रुप के साथ में ले सकते हैं, एंड हम लोग अपने टाइम के हिसाब से, मतलब इसमें कोई टाइम का लिमिटेशन आपको नहीं है, अपने टाइम के हिसाब से वर्क करके कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। जो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री बूमिंग इंडस्ट्री है, नंबर ऑफ पीपल्स इसमें एंटर कर रहे हैं, डीलरशिप ले रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, डीलरशिप मॉडल से भी ज़्यादा पैसा आप विदाउट इन्वेस्टमेंट एंड विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कमा सकते हैं, ये आज पूरा डिटेल में जानकारी हम लोग लेंगे। बिजनेस एसोसिएट बनने की जरूरत क्यों है, क्योंकि आज की डेट में अगर देखेंगे तो ये नई इमर्जिंग इंडस्ट्री है। इसका अवेयरनेस एंड लोगों में जो प्रोडक्ट परचेस करने के लिए नॉलेज चाहिए उसकी कमी है। तो उस कमी की वजह से आज आप व्हीकल इंडस्ट्री में काम करते हो तो आप जनरली कंपैरिजन करोगे कि बाकी व्हीकल्स के जिस तरीके के शोरूम है वैसे शोरूम आपके पास होने चाहिए, या फिर किसी भी कंपनी का डीलरशिप आप लेते हो तो उसमें उनकी भी यही चाहत होती है कि एक मेन स्ट्रीट पे बड़ा शोरूम होना चाहिए। तो बड़ा शोरूम बनाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आज उसका ओवरहेड्स है, देन आपको इन्वेंट्री जो मेंटेन करनी पड़ती है, वारंटी पीरियड में आपको सर्विस जो देनी पड़ती है, या फिर कस्टमर को सेल्स सर्विसेस, ये सब चीज़ें जो आपको मैनेज करनी पड़ती है, तो आज की डेट में नंबर ऑफ व्हीकल जितने बेचे जाते हैं एंड उसके कंपेरेटिवली जो एक्सपेंस आप बढ़ाते हैं, तो वो अगर 6 महीना, 1 साल, 2 साल अगर वो मैच नहीं होता है, अगर उसमें एक्सपेंसेस की रिकवरी नहीं होती है, तो फिर आज मार्केट में आप देखोगे तो बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शोरूम ओपन कर रहे हैं, डीलरशिप ले रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में वो बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से जब आप इंसान आएगा इस इंडस्ट्री में, तो 6 महीने, 1 साल आप कैलकुलेशन नहीं करोगे, लेकिन 2 साल बाद तो कैलकुलेशन करोगे। और अगर इन्वेस्टमेंट एंड ओवरहेड्स इसके कंपेरेटिवली प्रॉफिट को अगर देखेंगे और वो अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो क्या होगा कि आप डेफिनेटली उस बिजनेस को बंद करोगे। तो मेन मकसद यही है बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम का या बिजनेस एसोसिएट बनाने का, कि डीलरशिप लेने के बजाय आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप एज ए एफिलिएट गोगो ग्रुप के साथ में काम कर सकते हैं, एंड उसमें डीलरशिप से भी ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं, जिसमें आपको ना कोई वारंटी प्रोवाइड करनी है वो कंपनी टेक केयर कर लेती है, ना कोई डिलीवरीज आपको देनी है वो कंपनी टेक केयर कर लेती है, ना कोई आपको उसके लिए स्पेशली एजुकेशन प्रोवाइड करना है वो कंपनी प्रोवाइड करती है कस्टमर को, उसके लिए प्रोडक्ट डिस्पैच करना, इन्वेंट्री रखना वो कंपनी का काम होता है, एंड ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाना ये कंपनी का काम होता है। आप सिर्फ प्रमोशन पार्ट में जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस को शेयर करके, क्योंकि आज के डेट में जिस तरीके से आप देखेंगे बिजनेस करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो पुश बिजनेस होता है, एक पुल बिजनेस होता है। पुश बिजनेस में आपको जो पसंद है वो आप प्रोडक्ट बनाते हो, वो प्रोडक्ट बना के आप मार्केट में उसको एडवर्टाइजिंग करते हो एंड लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हो। इसमें अलग अलग मीडियाज थ्रू, जैसे टेलीविजन हुआ, या फिर आप न्यूज़पेपर ऐड देके या होल्डिंग्स लगा के लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। जब ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तब लोग प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं एंड वो प्रोडक्ट मार्केट में डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर या C&F चैनल थ्रू पहुंच जाता है। दूसरा तरीका होता है कि जो मार्केट में एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वो आप तैयार करते हो और उस प्रोडक्ट के लिए आप मार्केट में एंट्री करवाते हो, उस इन्फॉर्मेशन आप उसकी फ्लोट करते हो, और जब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो लोग अपने जरूरत को प्रोडक्ट परचेस करने के लिए आपके पास आ जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस ये होता है, एक में जो आप बना सकते हैं वो मार्केट में आता है, दूसरे में जो लोगों को चाहिए वो मार्केट में आता है। तो जब नीड बेस्ड बिजनेस होता है या फिर जो जिसे हम पुल मार्केटिंग कहते हैं, तो पुल मार्केटिंग में कस्टमर आपको ढूंढते हुए आता है एंड पुश में आप कस्टमर को ढूंढने चले जाते हैं। तो यही तरीका यहाँ पे gogoa1.com ने पहले से ही पुल मार्केटिंग पे ज़्यादा काम किया है, जो नीड्स है उसका सोल्यूशन निकालो एंड उसके लिए सोल्यूशन तैयार करके मार्केट में उसका इन्फॉर्मेशन फ्लोट करो। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि यूज़र बेस्ड प्रमोशन,
बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद में आप अपने चॉइस का प्रोडक्ट खुद यूज कर लेते हो एंड वो यूज करके जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में शेयर करते हो। उसमें से उन लोगों ने जो प्रोडक्ट परचेस किए, क्योंकि ये सिस्टम पूरा ऑनलाइन चलता है, ऑनलाइन परचेस में आपको उसका प्रोमो कोड आप प्रमोट कर सकते हैं एंड उसके थ्रू जो बिजनेस होता है उस बिजनेस में से जो कंपनी का बिजनेस ग्रोथ हो रही है उसमें आप एज ए चैनल पार्टनर या उसमें आप एज ए प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर काम करते हो एंड उसमें डीलरशिप से भी ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलता है। तो हमने देख लिया कि बिजनेस एसोसिएट बनके हम एज ए वर्चुअल फ्रेंचाइजर काम कर सकते हैं, उसमें आपको ऑल ओवर इंडिया का वर्चुअल फ्रेंचाइजी मिलता है, प्लस गोगो ग्रुप के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एजुकेशनल कोर्सेस हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, फिनिश प्रोडक्ट्स हो गए, कन्वर्जन किट्स हो गए या फिर बाकी सर्विसेज हो गए, ये सभी प्रोडक्ट को आप ऑफिशियली प्रमोट कर सकते हैं। आप ऑथराइज पर्सन बन जाते, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन जाते और ऑल ओवर इंडिया के मार्केट में आप इसे प्रमोट कर सकते हैं और कहीं से भी आपको जो भी बिजनेस गैदर होता है उसके ऊपर आप डीलरशिप से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम जो है इसके और क्या बेनिफिट होते हैं, तो वो बेनिफिट्स को अगर हम लोग जानते हैं तो आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि ये चार पार्ट में इस इंडस्ट्री को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट आता है, दूसरा आता है इसमें सेल्स एंड मार्केटिंग पार्ट, तीसरा आता है इसमें आपका एजुकेशनल पार्ट एंड चौथा आता है इसमें कन्वर्जन एंड सर्विसेज पार्ट। रिपेयरिंग सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं या कन्वर्जन सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चारों पार्ट के लिए बिजनेस एसोसिएट अलाइन हो जाता है एंड उसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में हम देखते हैं तो अगर आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आपके पास में टीम है, मशीनरीज है, तो आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए भले आज आप दूसरा कोई भी प्रोडक्ट अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, फिर भी अगर आपकी इच्छा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आपको मैन्युफैक्चर करना है, इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करना है या फिर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करना है, तो बिजनेस एसोसिएट गोगो ग्रुप के साथ में एज ए एसोसिएट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर काम कर सकता है। उसमें छोटा यूनिट से लेकर बड़ी फैक्ट्री तक का आप अटैचमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको एश्योर्ड जॉब वर्क मिलता है, पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होगा, जो आपके चॉइस का प्रोडक्ट होगा या आपके एरिया में जो मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट होगा या आपके पास जिस तरीके का सेटअप है उस तरीके से आपको जो गोगो ग्रुप का आरएनडी सेंटर है वहां पे नए नए प्रोडक्ट्स इन्वेंट हमेशा किए जाते हैं, उसमें का एक प्रोडक्ट आप लेके उसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं एंड आज ऑल ओवर इंडिया में जो गोगो ग्रुप का फ्रेंचाइजी नेटवर्क है उस नेटवर्क थ्रू उसे सेल्स एंड सर्विसेज दिया जाता है। तो आपका रोल जो आता है वो मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर का, तो आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके मतलब गोगो ग्रुप से आप कंपोनेंट्स परचेस करते हो, प्रोडक्ट को रेडी करते हो एंड उसी प्रोडक्ट को बायबैक गारंटी के साथ में गोगो ग्रुप आपको प्रोवाइड करता है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में आज के डेट में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में कोई मैन्युफैक्चरिंग का आपका पैशन है और काम करना चाहते हैं तो आप बना तो अच्छे सकते हैं लेकिन उसे बेचेगा कौन, उसका नेटवर्क कौन संभालेगा, उसके सर्विसेज कौन देगा, क्योंकि एक इंसान अगर मल्टीपल एक्टिविटीज करने जाता है तो उसका डेफिनेटली इफिशियंसी कम होता है, वर्क जो है वो कम लेवल पे, ग्रोथ जो है वो एक सर्टन लेवल तक ही हो सकती है। उसको ग्रोथ को अगर बढ़ाना है तो टीम में आके काम करना जरूरी है, एसोसिएशन में काम करना जरूरी है और गोगो ग्रुप के साथ में वही सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होता है कि आप बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद में एज ए एसोसिएट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर काम कर सकते हैं एंड एसोसिएट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर को एश्योर्ड जॉब वर्क मिलता है। आपकी फैक्ट्री रन होने के लिए आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं वो पूरा प्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स एंड सर्विसेज का गोगो ग्रुप ले लेता है। तो अब हम देखते हैं तीसरे पार्ट को, जिसमें बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद में आप एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से वर्क करते हैं। आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इतने बड़े लेवल पे एस्टैब्लिश हो रही है लेकिन उसके लिए प्रॉपरली एजुकेशन कहीं पे अवेलेबल नहीं है। जो भी व्यक्ति काम करता है, जिस तरीके से एक प्रोडक्ट को यूज भी करना है, तो उसके लिए भी उसे पता होना चाहिए कि बैटरी वोल्टेज क्या होता है, वो कनेक्शन कैसे चेक करना है या फिर उसको यूज करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। और ये कस्टमर को भी आज नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारे चैलेंजेस डीलर्स को या ब्रांड्स को फेस करने पड़ते हैं, तो उसके लिए गोगो ग्रुप ने एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया है।
तो जिस एजुकेशन सिस्टम थ्रू आप यूजर को भी एजुकेशन दे सकते हैं, जैसे आप देखेंगे कि यूजर यूज कर रहा है तो रोड साइड मैकेनिक जो है वो इनेबल्ड नहीं है आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, उसको रिपेयर नहीं कर सकते तो उनको एजुकेशन दे सकते हैं। जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली टेक्नोलॉजीज क्या है, उस व्हीकल को कैसे रिपेयर किया जाता है, कैसे असेंबल्ड किया जाता है, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो क्या डिफरेंसेस है नॉर्मल व्हीकल में और इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूज में, मैन्युफैक्चरिंग में या फिर उसके सेलिंग में, तो ये सब चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कोई भी काम आप विदाउट नॉलेज करने जाओगे तो उसका जो चैलेंजेस क्रिएट होते हैं या फिर जो सफरिंग आपको करना पड़ता है तो वो प्रॉपर एजुकेशन लेने के बाद में वो करने की जरूरत नहीं है। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा डिमांड है आज के डेट में। इतनी बड़ी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, हर कंपनी चाहती है, हर ब्रांड चाहता है कि हमें स्किल्ड लेबर्स मिले, हमें स्किल्ड टेक्नीशियंस मिले, हमें स्किल्ड इंजीनियर्स मिले, लेकिन आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर स्किल डेवलपमेंट नहीं हो चुका है। तो इसीलिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है स्किल डेवलपमेंट में। तो आपके थ्रू गोगो ग्रुप के साथ में ज्वाइन होकर आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसमें बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद में आप गोगो ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे ट्रेन द ट्रेनर कोर्स करके एज ए ट्रेनर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको एश्योर्ड प्लेसमेंट भी हम दे सकते हैं, या फिर आपको खुद का अगर बिजनेस करना है तो आप ट्रेनिंग फ्रेंचाइजी आपके एरिया के लिए ले सकते हैं एंड वहाँ के जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सकते हैं। आप ओपन मार्केट के लिए भी काम कर सकते हैं, आप कॉरपोरेट के लिए भी काम कर सकते हैं। आज के डेट में जितनी कंपनीज के मॉडल्स मार्केट में आ रहे हैं, जितने भी फ्लीट ऑपरेटर्स हैं, उनके सबके गाड़ियों के लिए सर्विसेज एंड जो इंजीनियर्स चाहिए, जो टीम चाहिए, जो फोर्स चाहिए, उसके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना, या फिर आज इंस्टीट्यूशनल अगर आप देखेंगे तो हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल चाहता है कि अपने स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी डीपली एजुकेशन दिए, और उसके लिए भी एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा डिमांड है। तो बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद में आप एजुकेशन सिस्टम में एंटर कर सकते हैं एंड गोगो ग्रुप के साथ में आप एजुकेशन शेयर करने के लिए, लोगों का स्किल सेट बढ़ाने के लिए, उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकते हैं एंड उसमें से भी आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी कर सकते हैं। तो एजुकेशन में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद में हम एजुकेशन सिस्टम के साथ भी अलाइन हो सकते हैं। देन आते हैं सर्विसेज में। सर्विसेज में आप अगर जिस तरीके से आज के डेट में नए व्हीकल लेने से भी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं कि एग्जिस्टिंग व्हीकल को इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट किया जाए, तो जब इलेक्ट्रिकली कन्वर्ट करते हैं तो वो कन्वर्जन का काम करने के लिए आप ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर ओपन कर सकते हैं। मतलब टू व्हीलर का अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप टू व्हीलर का ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर ओपन कर सकते हैं। अगर आपका थ्री व्हीलर में इंटरेस्ट है तो थ्री व्हीलर का ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर आप ओपन कर सकते हैं। अगर आपका फोर व्हीलर में इंटरेस्ट है तो फोर व्हीलर का ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर आप ओपन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपके पास ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर नहीं है तब तक RTO में आप रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हैं या फिर उस व्हीकल को रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। अगर वो व्हीकल RTO में रजिस्टर नहीं है और आपने कन्वर्जन किया है तो वो इल्लीगल हो जाएगा। उसमें अगर आगे चल के कुछ चैलेंजेस आते हैं तो वो कस्टमर को भी सफर करना पड़ेगा, आपको भी सफर करना पड़ेगा, या ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को भी या मैन्युफैक्चरर को भी उसमें सफर करना पड़ता है। तो इसीलिए ऑथराइज कन्वर्जन किट्स जो RTO अप्रूव्ड है वैसे किट्स का ऑथराइज कन्वर्जन सेंटर आप खुद ले सकते हैं। देन किसी लोग किन लोगों का अगर फिनिश प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हो गए, इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स हो गए, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स हो गए, तो आप उसका सब फ्रेंचाइजी लेके आपके एरिया में शोरूम ओपन कर सकते हैं या लोगों को उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रिपेयरिंग सर्विसेज या ऑथराइज सर्विस सेंटर आप ओपन कर सकते हैं। तो रिपेयरिंग एंड कन्वर्जन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपका पैशन रिपेयरिंग एंड सर्विसेज का है तो आप रिपेयरिंग एंड सर्विसेज में एंटर कर सकते हैं। बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद में आप खुद का सर्विस सेंटर खोल सकते हैं, खुद रिपेयरिंग सेंटर खोल सकते हैं एंड लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। क्योंकि डे बाय डे जो नंबर ऑफ व्हीकल्स ग्रो हो रहे हैं या फिर नंबर ऑफ व्हीकल्स कन्वर्ट हो रहे हैं तो उसके लिए सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए गोगो ग्रुप के साथ में अलाइन होके, gogoeven.com के साथ में अलाइन होके आप आपके एरिया में बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद में हमने देखा कि आप सेल्स एंड मार्केटिंग में सपोर्ट कर सकते हैं, आप कन्वर्जन एंड सर्विसेज में सपोर्ट कर सकते हैं, आप एजुकेशन सिस्टम में सपोर्ट कर सकते हैं एंड आप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में सपोर्ट कर सकते हैं।
उसके साथ में अगर आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है, आपका एक्सपर्टाइजी जो है, वो अगर गोगो ग्रुप के साथ में या इस इंडस्ट्री के साथ में अलाइन होने जैसा है, अलाइन हो सकता है, एंड आप सर्विसेज एंड क्वालिटी अगर आपकी अच्छी है, तो आप बाकी बिजनेसेस को भी गोगो ग्रुप के साथ में अलाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो गई, बाकी अदर सर्विसेज जैसे प्रमोशनल एक्टिविटी के लिए मटेरियल कंटेंट मेकिंग हो गया, या वीडियो मेकिंग हो गया, या फिर सोशल मीडिया प्रमोशन हो गया, तो इसके लिए भी आप बिजनेस एसोसिएट बन के गोगो ग्रुप के साथ में एक्टिविटीज कर सकते हैं एंड अपने बिजनेस को और मल्टीपल लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि एज ए रिसर्चर, या फिर अगर आपका R&D में इंटरेस्ट है, अगर आपको कुछ इनोवेटिव चीज़ें करने में अच्छा लगता है, आपके पास भी कुछ आइडियाज़ हैं और उनको आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद में आप गोगो ग्रुप के साथ में एज ए रिसर्चर भी काम कर सकते हैं, एज ए इन्वेंटर भी काम कर सकते हैं, एज ए आप डिज़ाइन इंजीनियर भी काम कर सकते हैं, या फिर आप गोगो ग्रुप का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है उस लैब में आप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट को डेवलप किया हुआ है, या फिर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, तो उस आइडिया को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके उसको प्रोडक्शन करने के लिए देन एसोसिएट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के पास देके आप खुद का एक इन्वेंशन लैब भी तैयार कर सकते हैं, या फिर गोगो ग्रुप के इन्वेंशन लैब में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड उसमें एज ए रिसर्चर भी आप काम कर सकते हैं। तो बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद में अगर आपको भी इनोवेशन में, इन्वेंटर बनने में या रिसर्चर बनने में इंटरेस्ट है, तो उसे भी आप अलाइन कर सकते हैं एंड गोगो ग्रुप के साथ में काम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको आपका इंडिपेंडेंटली मॉडल लॉन्च करना है, अगर आपको खुद का स्टार्टअप लॉन्च करना है, अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, तो गोगो ग्रुप के साथ में बिजनेस एसोसिएट बन के आप अलाइन हो सकते हैं एंड आप अपना खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। उस स्टार्टअप के लिए अगर आपके पास में फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज है, तो आप फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज के साथ में आ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज नहीं है, तो गोगो ग्रुप का जो इनक्यूबेशन सेंटर है, जो स्टार्टअप स्टूडियो है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करके इन्वेस्टमेंट गोगो ग्रुप की तरफ से किया जाएगा, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर गोगो ग्रुप की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए R&D लैब गोगो ग्रुप की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, मटेरियल आपको गोगो ग्रुप की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, मार्केटिंग गोगो ग्रुप की तरफ से किया जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन गोगो ग्रुप की तरफ से किया जाएगा, सर्विसेज गोगो ग्रुप की तरफ से किया जाएगा। आप अपने ब्रांड को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, मार्केट में ला सकते हैं। एसोसिएशन में बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद में आप एज ए मैनेजमेंट पार्टनर भी काम कर सकते हैं, या फिर आप अपने स्टार्टअप को इनक्यूबेशन सेंटर में स्टार्ट करके अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया के जो गोगो ग्रुप का नेटवर्क रेडी है उस नेटवर्क थ्रू भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। मतलब बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद में आप क्या चाहते हो, जो भी आपकी चाहत होगी, जो भी आपका पैशन होगा, उस तरीके से आप गोगो ग्रुप के साथ में अलाइन हो सकते हो एंड अलाइनमेंट में, एसोसिएशन में, चैनल पार्टनरशिप में आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। इसीलिए इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप क्या चाहते हो, ये जरूरी है कि आपको क्लियर होना कि आपकी चाहत क्या है, ये क्लियर करने के लिए एंड बिजनेस इथिक्स क्या है, बिजनेस ग्रो करने के फार्मूलाज क्या है, मार्केट में गुडविल क्रिएट करने के फार्मूलाज क्या है, एंड बिजनेस को टेक्निकली एक्सपर्टाइजी पाने के लिए क्या करना चाहिए, टेक्निकली एक्सपर्टाइजी स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशंस करने के लिए, आपके जो स्किल को डेवलप करने के लिए बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम में 14 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ये 14 डेज में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री रिलेटेड सभी नॉलेज को शेयर किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्रीज के टेक्नोलॉजीज, सभी टाइप के मॉडल्स, सभी टाइप के मार्केट में रिक्वायरमेंट्स, देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, उसको रिपेयरिंग का नॉलेज, उसको टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग, देन गवर्नमेंट पॉलिसीज, अप्रूवल प्रोसेसेस, देन RTO रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस, ये सभी चीज़ों को आपको नॉलेज शेयर किया जाता है। तो 7 डेज का ऑनलाइन सेशन होता है। ऑनलाइन सेशन के बाद में, ऑनलाइन सेशन भी जो प्रोग्राम हम लेते हैं इवनिंग टाइम में होता है, 8 to 11 का टाइम होता है। 7 डेज आप घर पे बैठ के ही ऑनलाइन सेशन को अटेंड कर सकते हैं। देन 7 डेज का प्रैक्टिकल सेशन होता है, तो वो प्रैक्टिकल सेशन में आपको इलेक्ट्रिक बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक बाइसिकल कन्वर्जन, देन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हाइब्रिड कन्वर्जन, मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक कन्वर्जन,
then scooter conversion, three-wheeler conversion, four-wheeler conversion and agriculture product manufacturing या फिर industrial product का किस तरीके से आपको conversion करना है, calculation करना है, आपके पास technical background होना ही चाहिए, जरूरी नहीं है, आप engineer होने ही चाहिए, जरूरी नहीं है, अगर आपका interest है और आप चाहते हो कि electric vehicle industry में expertise पाया जाए, तो सिर्फ business associate qualification program करके आप आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पे एंड ओवरऑल नॉलेज पे आप एक्सपर्टाइज पा सकते हैं। जिस तरीके से आज सिर्फ मेन स्ट्रीमलाइन इंडस्ट्री को ही ना फोकस करके गोगो ग्रुप ने आज ऑफ रोड व्हीकल्स, बाकी जितने भी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि सबसे बड़े दो रिवोल्यूशन हो रहे हैं, इंजन का रिप्लेसमेंट मोटर के साथ में हो रहा है एंड इंडक्शन मोटर का रिप्लेसमेंट आज मैग्नेट मोटर्स के साथ में या BLDC मोटर्स के साथ में हो रहा है, तो ये रिवोल्यूशनरी चेंजेस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड नंबर ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। 7 days का जो प्रैक्टिकल सेशन होता है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे आके आपको 7 days का स्टे, फूड, सभी फैसिलिटी कंपनी की तरफ से दी जाती है। आपको इन्वेंट करने के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, आपको कन्वर्जन करने के लिए नंबर ऑफ किट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इतनी सब चीज़ें अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहो, एक्सपीरियंस करना चाहो, तो लाखों रुपये उसमें लग जाते हैं, लेकिन बिजनेस एसोसिएट को ये पूरा प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम में ही आप सभी टाइप के व्हीकल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, अपने एक्सपर्टाइज कर सकते हैं, रिपेयरिंग सीख सकते हैं या फिर उसको नया मॉडिफिकेशन सीख सकते हैं, नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीख सकते हैं। तो ये सब करते समय जो एक्सपीरियंस लोग लेते हैं वो एक बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके साथ में सभी टाइप के कैलकुलेशंस, कौन से व्हीकल के लिए कितने पावर का मोटर लगना चाहिए, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है तो भी आप जानोगे कि 7 days का जो ऑनलाइन सेशन होता है तब तक ही आप हर व्हीकल का विदाउट कैलकुलेटर सभी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इतना सिंपल वे में आपको सभी नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, कितने कैपेसिटी का मोटर चाहिए, कितना स्पीड मिलेगा, कितना एवरेज मिलेगा, कितना कैपेसिटी का बैटरी चाहिए, देन कौन से व्हीकल के लिए किस तरीके का कुछ कौन से टाइप का मोटर यूज़ करना चाहिए, कंट्रोलर कौन से टाइप का यूज़ करना चाहिए, ये पूरा इन डिटेल नॉलेज आपको शेयर होता है एंड उसमें से आप अपनी एक्सपर्टाइज पा सकते हो। क्योंकि आज आप इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या करना चाहते हो, दोनों इसमें अगर आपको डर लग रहा है, आगे का फ्यूचर क्लियर नहीं दिख रहा है, अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप कस्टमर के क्वेश्चन से परेशान है, तो आपको बिजनेस एसोसिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना जरूरी है। क्योंकि इस प्रोग्राम से आपको नॉलेज मिलता है और जहाँ पे नॉलेज का प्रेजेंस होता है डर अपने आप भाग जाता है। आपको तैरने का डर लगता है या पानी का डर लगता है कब तक, जब तक आपको तैरना नहीं आता है। जिस दिन आपको तैरना आ गया पानी का डर ऑटोमेटिकली भाग जाता है। तो दोस्तों ये सब पूरे प्रोग्राम के पीछे का मकसद यही है कि जो हमारा विजन है टू बिकम ए मोस्ट रिलायबल एजुकेटर, इनोवेटर एंड एक्सेलरेटर ऑफ 21st century वर्ल्ड बाय 2040, तो इसको अचीव करने के लिए हम अकेले काम करते रहेंगे तो ये टारगेटेड पीरियड में या उतने टाइम फ्रेम में हम अचीव नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमने फर्स्ट टाइम इंडिया में नहीं दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पिछले 10 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सबको बिजनेस एसोसिएट्स के साथ में शेयर करना शुरू किया एंड बिजनेस एसोसिएट्स के साथ में शेयर करके हम अलायंस में काम कर रहे, ग्रुप में काम कर रहे। और जब एक टीम काम करता है, जब एक ग्रुप काम करता है, तो हर एक काम, हर एक इंसान अपनी अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से अपना रोल निभाता है, तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए, नए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए और ये सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाने के लिए स्पीड बढ़ जाता है, ईजी हो जाता है। और यही मकसद से हम जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपर्टाइज है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों इस पूरे प्रोग्राम के पीछे का जो हमारा मकसद है, क्यों हम शेयर कर रहे हैं सबके साथ में अपना नॉलेज, क्यों हम सबको सपोर्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए जानना जरूरी है कि हमारा मेन जो विजन है टू बिकम ए मोस्ट रिलायबल एजुकेटर, इनोवेटर एंड एक्सेलरेटर ऑफ 21st century वर्ल्ड वाइड बाय 2040।
जब इस लेवल से हमें काम करना है, जिस इस लेवल से काम करने के लिए हम लोग डेली मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें इस मकसद पे पहुंचने के लिए हम अकेले अगर काम करेंगे तो उसमें वक्त ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अगर जो लोग प्रोग्रेसिव वे में आना चाहते हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री में ग्रोथ करना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे खास इंडस्ट्री इसलिए है, आप भले ही सेल्फिश बन जाओ, आप भले ही अपना खुद का बिजनेस डेवलप करो, इनडायरेक्टली आप नेचर के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप कंट्री के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस अच्छे काम में सबको साथ में लेके अगर ग्रो होते हैं तो एक सभी मकसद हमारे पूरे हो सकते हैं कि जो लेवल हमें हमारी चाहिए वो भी अचीव हो जाती है, जिसमें और हर इंसान अपने आप के लिए काम करता है उसी के साथ में, जो सोसाइटी के लिए दायित्व होता है उसके लिए भी काम हो रहा है, जो देश के प्रति दायित्व होता है उसके लिए भी काम हो रहा है, एंड जो नेचर के लिए हमें रिटर्न देना चाहिए उसके लिए भी काम हो रहा है। तो इसीलिए हम सबको साथ में लेके लेट्स ग्रो टुगेदर के हिसाब से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उसके साथ में अभी बिजनेस एसोसिएट बनने के लिए हमें क्या प्रोसेस करनी होगी, कैसे हम बिजनेस एसोसिएट बन सकते हैं ये हम जान लेते हैं। दोस्तों थोड़ा पहले इसके मैं फीस के बारे में या टोटल एक्सपेंस जो आपको आता है, ये लाइफ टाइम के लिए एक ही बार आपको 1,00,000 रुपीज का एक्सपेंस आता है। अभी जैसे ही मैंने 1,00,000 रुपीज बोला तो आप चौंक गए होंगे कि अरे इतने से इसके लिए 1,00,000 रुपीज। लेकिन दोस्तों थोड़ा गौर से सोचिए, इसमें जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आज एक कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का डीलरशिप आप लेने जाओगे तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए आपको खर्चा आता है। डीलरशिप से भी ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली अपॉर्चुनिटी सिर्फ 1,00,000 रुपीज में आप शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा नॉलेज लेके एग्जैक्टली प्रोडक्ट को इन्वेंट करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तक शुरुआत करने के लिए, इन्वेंशन में और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में और एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी को हासिल करने में लाखों रुपए आपको खर्च हो गए, यहाँ पे वो जरूरी नहीं है, बिजनेस एसोसिएट को सब रेडी मिल जाता है तो वो लाखों रुपए आपके बच गए। अगर आप ट्रेनिंग में काम करना चाहते हैं तो इतना एक्सपर्टाइजी, इतना सारा सब कंटेंट, इतना नॉलेज, ये सब आपको रेडीली मिलता है। अगर इतना ही एक्सपीरियंस लेके डेवलप करके आप करना चाहो तो सालों लगते हैं एंड खर्चा भी बहुत सारा होता है, वो आपका यहाँ पे बच जाता है। अगर आप सर्विसेज में काम करना चाहते हैं, कन्वर्जन में काम करना चाहते हैं, तो हर एक किट को अप्रूव करने के लिए लाखों रुपए खर्च आता है, टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए लाखों रुपए खर्च आता है, जो मार्केट में आज प्रोडक्शन करने के लिए लाखों रुपए खर्च आता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको रेडीली मिल रही है, और उसके लिए सिर्फ आप एक बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं। उसके साथ में सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए या फिर आपका जो कन्वर्जन सेंटर होगा उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट बहुत सारी आती है, यहाँ पे वो कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना खुद का वेबसाइट तैयार करना है, ना कस्टमर के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन से कुछ भी नहीं करना है, आप जस्ट प्रमोशनल पार्ट में एंटर करते हो और जो इंडस्ट्री में आज बड़े लेवल से प्रॉफिट मिलता है उसका आप शेयरिंग कर सकते हो। तो ये ओवरऑल जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपका 7 डेज का स्टे, फूड, सभी फैसिलिटीज, टूल्स, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रक्टर, ये पूरा कॉस्ट इसमें इंक्लूड है। इसके लिए कोई रिन्यूअल नहीं है, रिन्यूअल अगर होता तो अगेन एंड अगेन आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ता था, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए है। बिजनेस एसोसिएट बनने के बाद में कभी भी आप दोबारा आ सकते हैं, गोगो ग्रुप का कोई भी फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, मशीनरीज यूज़ कर सकते हैं, आपको R&D करना है, डेवलप करना है, प्रोडक्ट को नया इन्वेंट करना है, उसके लिए आप कभी भी आ सकते हैं, दोबारा उसके लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नॉमिनल जो आपका स्टे एंड फूड का कॉस्ट होगा उतना ही आपको बेयर करना है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, असेंबली लाइन पे प्रैक्टिस करनी है, मैन्युफैक्चरिंग पे प्रैक्टिस करनी है, आप कभी भी आ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कितने भी दिन रुक सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, आप कितने भी दिन आ सकते हैं, रुक सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब आप जब बिजनेस एसोसिएट बनते हो तो गोगो ग्रुप के एक फैमिली मेंबर बन जाते हो, और फैमिली मेंबर की तरह आप कभी भी हर एक फैसिलिटी का एक्सेस ले सकते हो, एंड आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो, बिजनेस को डेवलप कर सकते हो, आइडियाज़ को इम्प्रूव कर सकते हो, इन्वेंशंस को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर यही चीज़ आप इंडिविजुअल लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे करने जाओगे तो लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन गोगो ग्रुप का विजन क्लियर होने की वजह से और सबको साथ में लेके चलने के लिए हम तैयार हैं, इसीलिए ये सब प्रोग्राम आपको सिर्फ 1,00,000 रुपये में मिलता है। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि पूरे प्रोग्राम में ही नहीं, लेकिन अगर
आप 7 डेज के ऑनलाइन सेशन के बाद ही देखोगे तो आप बोलोगे कि नहीं सर, सिर्फ 1 लाख हमने इसके लिए एक्सपेंड किया, लेकिन रिटर्न जो मिल रहा है तो वो 10 लाख से भी ज़्यादा का रिटर्न हमें मिल रहा है, और जो एक्सपीरियंस एंड सब कुछ चीज़ें हैं वो गैदर करेंगे तो उसका 100 टाइम्स का रिटर्न आपको मिलता है। दोस्तों आप ट्राई कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल लेवल पे 6 महीना 1 साल काम करके देखिए, उसके बाद में अगर जब आप प्रैक्टिकली सोचोगे, प्रैक्टिकली जब एक्सपीरियंस करोगे उसके बाद में भी आपको ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हैं, या फिर अगर आज ही आपको लगता है कि सही टाइम पे सही ग्रुप के साथ में, सही कंपनी के साथ में, सही लोगों के साथ में, सही एसोसिएशन में हम ज्वाइन हो रहे हैं, तो डिसीजन लेने के लिए वक्त मत लगाइए। क्यों? क्योंकि डे बाय डे जो मार्केट में अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, डे बाय डे इसमें कंपटीशन बढ़ते जाने वाला है। अगर आज आप शुरुआत करते हो तो आपको एक्सपर्टाइज लाने के लिए जो वक्त चाहिए वो वक्त आपको सही मिल रहा है, क्योंकि जैसे ही पेट्रोल डीजल आज 100 रुपये के आसपास पहुंच गया तो एकदम से अवेयरनेस आ चुका है, हर किसी को इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, और उसके लिए सही वक्त पे, सही टाइम पे अगर सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो फिर गलती हमारी होगी। इंडस्ट्री तो ग्रो होगी ही, टेक्नोलॉजीज तो इम्प्लीमेंट होगी ही, मार्केट में रिवोल्यूशन तो होगा ही, व्हीकल जो आज पेट्रोल डीजल पे चल रहे वो इलेक्ट्रिक पे तो होगे ही, लेकिन अगर हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं है तो हमारे लाइफ में, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं है तो आपके लाइफ में बदलाव नहीं आ सकता है। अगर बदलाव लाना है, अगर आज जो सिचुएशन है उसको अगर चेंज करना है, अपग्रेड करना है, अलग लेवल पे लेके जाना है, तो आज ही डिसीजन लेना जरूरी है और बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम ज्वाइन करना जरूरी है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप gogoeven.com वेबसाइट पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, आप वहाँ से पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस के लिए आप ऑनलाइन कोई भी मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर वैलेट्स, या फिर आप वहां से अकाउंट डिटेल्स लेके कंपनी के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ का, ये इंक्लूडिंग जीएसटी है, तो उसमें 18% जीएसटी का आप रिबैक भी ले सकते हैं या क्लेम भी कर सकते हैं, मतलब 18,000 रुपये आपको जीएसटी का रिटर्न आ रहा है, बाकी का जो पूरा फैसिलिटीज़ है वो पूरा आपको मिल रहा है। एंड इसके साथ में जब आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसके लिए gogoeven.com के इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, आप इंस्टॉलमेंट करवा के भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है तो वो HDFC बैंक के डेबिट कार्ड थ्रू भी आप इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी ले सकते हैं, और धीरे धीरे बाकी बैंक्स का भी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी वेबसाइट पे ऑन हो रहा है। तो जिस तरीके से पूरी 360 डिग्री में सपोर्ट सिस्टम gogoeven.com ने आपको अवेलेबल करके दिया है, एंड उसी के साथ में लेट्स ग्रो टुगेदर, आइए मिलते हैं बिजनेस एसोसिएट क्वालिफिकेशन प्रोग्राम में, अलग लेवल का, अलग टाइप का एक्सपीरियंस आपको आएगा, एंड आप भी जान जाओगे कि जो 4 साल 5 साल इंजीनियरिंग करने के बाद भी जो नॉलेज, जो एक्सपर्टाइज नहीं मिलती है, ये 14 दिनों में मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।